तो हमने देख लिया था क्रॉस ऑफर के बारे में। अगला होता है काउंटर ऑफर। ध्यान दो, काउंटर ऑफर क्या होता है कि जब हम अपने ओरिजिनल ऑफर में चेंज कर दें। जैसे एग्जांपल, आप मार्केट गए, ठीक है, आपने कहा मुझे ये वाली शर्ट चाहिए, उसने कहा 100 की, कहा कि नहीं 100 की नहीं, मुझे ये शर्ट आप 80 की दे दो, यानी 80 में दे दो। तो आपने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर में क्या किया, आपने कुछ चेंज किया, मॉडिफाई किया, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। कंडीशनल भी हो सकता है। ध्यान दो, अगला है स्टैंडिंग ऑफर या फिर कॉन्टिन्यू या फिर ओपन ऑफर। ये क्या होता है कि ये अलाउ किया जाता है रिमेन ऑफर पर फॉर एक्सेप्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल टेंडर होता है, तो टेंडर में क्या होता है कि आपने ओपन कर दिया है, ठीक है सर, अपने अपने गुड्स का प्राइस वहाँ पे बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग। कि वो एक लिमिट होती है कि 15 से, मान लो कोई डिस्काउंट का ऑफर होता है कि 15 से 20 तक अगर आप ले लोगे तो वो क्या कहलाता है आपका स्टैंडिंग ऑफर, कि वो एक लिमिट पीरियड तक ही रहता है। अगला टॉपिक आपका, ध्यान दो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए एक वैलिड ऑफर होने के लिए।